जुड़ गए हैं रणवीर सिंह, जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हैं और साथ ही एक्स सीआरपीएफ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जिस तरह से ये हमला हुआ पुलवामा में, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए इस हमले में, देश भर में आज गुस्सा है, आंखें नम हैं, परिवार तक पार्थिव शरीर पहुंचे हैं, लेकिन शरीर क्या पहुंचे हैं वो तो सिर्फ अवशेष पहुंचे हैं। सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे देश का ध्यान दिलाने के लिए हम सारा समय को सैल्यूट और सलाम करते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने लिया, आपने बहुत सारी डिस्पेरी पहले ही गिना दी। तो देखिए, सीआरपीएफ का जहाँ तक सवाल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस जिसको महान फोर्स भी कहा जाता है, ग्रेट फोर्स जो 39 में अंग्रेजों के टाइम पे खड़ी की गई और आजादी के बाद आज तक अगर मेरा जिक्र किया जाए तो तकरीबन 34,000 अर्धसैनिक बल के जवानों ने देश के लिए शहादत दी। आए दिन अक्सर शहीद होते रहते हैं, चाहे वो नक्सल बाहुल क्षेत्र हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे धधकता कश्मीर कहेंगे हम, इतना बड़ा हादसा आज तक आजादी के बाद शायद कभी कश्मीर के नेशनल हाईवे पे नहीं। और दुख तो तब ज्यादा होता है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ सीआरपीएफ से आप जुड़े रहे हैं, जब जवान अपने देश के लिए प्राण न्योछावर कर गया सीआरपीएफ का, उसके बाद भी शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। जी, बहुत बड़े दुख की बात है कि आजादी के बाद आज तक, अभी देखिए हर तकरीबन हर जगह सरकारें हो चाहे देश हो, शहीद चला रहे हैं। जबकि आपके इसके लिए हम बताएं कि 13 नवंबर 2015 को दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ में आरएस जस्टिस रविंद्र और दीपा शर्मा थे और सरकार ने खुद एफिडेविट फाइल किया कि ये ऐसा कोई इरादा, हम लोग केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को शहीद का दर्जा देने का ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं। उसमें क्लियर लिखा है कि नो मैटर स्टेटस टू पैरामिलिट्री, ये बेंच थी दिल्ली हाईकोर्ट की। तो बहुत बड़े दुख की बात है, एक तरफ शहीद शहीद कह रहे हैं और जबकि शहीद का दर्जा ही नहीं दिया गया था बहुत बड़े देश के साथ। और फिर दूसरी चीज, 2004 के बाद जैसा आपने कहा कि देश की संसद को सीआरपीएफ के बांकुरों ने बचाया, अगर सीआरपीएफ 2004 में संसद में ना होती तो वो संसद नस्तनाबूद। बिल्कुल। तो फिर ऐसी क्या भूल हुई कि हमारे अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवान और बाकी अर्धसैनिक बलों की सरकार ने पेंशन बंद कर दी, जबकि आज हमारी ड्यूटी ईच एंड एवरी कॉर्नर, लद्दाख से लेके लास्ट निकोबार तक हर मतलब स्टेट में, चाहे वो आपने कहा इलेक्शन बढ़िया से करवाने का हो, लैंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, किसी कोने में देखिए सीआरपीएफ के बहुत सारे, मैं आपको बताऊंगा रंग रूप भी है, चाहे वो पीडीजी है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, चाहे एसडीजी है स्पेशल ड्यूटी ग्रुप जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आउटर घेरे में लगते हैं, चाहे वो एसपीजी हो एनएसजी हो, ये सब हमारी सिस्टर विंग है। इवन आरएफ एनडीआरएफ और कोबरा ये भी सीआरपीएफ के अंग हैं, जिनके दम पर सरकार बड़े बड़े अभियानों का सफल बनाने का दम भरती है। कितने सारे ऐसे इवेंट होते हैं जहां पर सीआरपीएफ के कंधों पर जिम्मेदारी होती है, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। जब एक सीआरपीएफ का जवान अपने प्राणों की आहुति देता है देश की रक्षा के लिए, कई सारे डिफरेंसेस हैं, जिस तरह से हमने बताया कि सैलरीज में एक अंतर है, जो सेना का जवान होता है और जो सीआरपीएफ का जवान होता है उनके वेतन में अंतर होता है, फैसिलिटीज में अंतर होता है, पेंशन भी बंद हो गई है। बिल्कुल, हमारे साथ जो हर कदम पे डिस्पेरिटी हो रही है, जैसे खुद गृह राज्य मंत्री ने एयू सिंहदेव के जवाब में राज्यसभा में बयान दिया पे कमीशन 7th इंप्लीमेंट होने से पहले कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को सेना की तर्ज पर सुविधाएं, वेतन, भत्ते व शहीद का दर्जा दिया जाएगा। 27 सितंबर 2016 को ऑन द रिकॉर्ड है जब माननीय गृह मंत्री की तरफ से भी बयान आया समाचार पत्रों के माध्यम से कि ये केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी सेना की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। आपकी नॉलेज के लिए एक और बड़ी डिस्पेरिटी अभी हुई, 26 जनवरी का जो मौका था बाहर कर दिया गया। बहुत बड़े दुख की बात है कि
देश को पता लगना चाहिए कि सीआईएसएफ जो महत्वपूर्ण जितने भी अपने इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन है, मेट्रो एयरपोर्ट जितना जितने भी जो है, तो उनको भी बाहर कर दिया गया एंड टाइम के ऊपर, जबकि सीआईएसएफ अपनी 50वीं वर्षगांठ इस बार मना रही है। बिल्कुल, कई सारे अंतर हैं, कई सारे मतभेद भी हैं और लगातार हम ये मांग को देखते रहे हैं, जिस तरह से मांग उठती रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ये मांग उठाती रही है कि जब हमारा जवान देश के लिए अपने प्राण की आहुति देता है तो फिर उसे शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता आशुतोष भाटिया भी जुड़ गए हैं। आशुतोष, लगातार ये मांग उठती रही है देश भर में कि क्यों आखिर शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता पैरामिलिट्री फोर्सेस को। आशुतोष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? शायद किसी तकनीकी खामी की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से हमारे सेना के सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए पुलवामा आतंकी हमले में, उनके पार्थिव शरीर उनके परिजनों तक पहुंचे हैं। रणवीर जी, जिस तरह से ये हमला हुआ, और क्योंकि आप तो सीआरपीएफ में रहे हैं, पूरा देश एक तरफ गुस्से में है, पूरे देश के दिल में इस वक्त आक्रोश है, आग धधक रही है, और क्योंकि आप तो सीआरपीएफ में रहे हैं, आपके अंदर तो और ज्यादा गुस्सा हो सकता है। आप तो ये सोच रहे होंगे कि बस सरकार से एक बार इजाजत मिल जाए। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। ये रणवीर की बात नहीं है, पूरे देश के लाखों अर्धसैनिक परिवारों के मन की बात है। माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि हमें बुलाए और हम जाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो नक्सलवाद क्षेत्र हो या कश्मीर हो या बर्फीला हिमालय हो। आज ये चारों तरफ से आपके माध्यम से प्रधानमंत्री तक आवाज जाए कि यस, अब समय आ गया है कि 40 के बदले कम से कम 440 तो होने ही चाहिए। और जहां आप डिस्पेरिटी की बात, एक और मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ डिस्पेरिटी क्या हो रही है, कि जो सीपीसी कैंटीन है, माफ कीजिएगा, सेंट्रल पुलिस कैंटीन है, 10 जनवरी को फिल्मी दुनिया का एक प्रतिनिधिमंडल करण जौहर के नेतृत्व में रणबीर सिंह और रणबीर कपूर के साथ, आलिया भट्ट के साथ ये लोग पीएमओ में गए, वो सेल्फी भी वायरल हुई थी। और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने क्या चाहते हो, बोला कि मूवी टिकट के ऊपर हमें माफ कर दिया जाए जीएसटी, उन्होंने माफ कर दिया। अब बताइएगा, 29 जून 2017 को माननीय गृह मंत्री राजनाथ जी ने वित्त मंत्री जी को, जेटली जी को चिट्ठी लिखी कि देश के अर्धसैनिक बलों को भी सीपीसी कंटीन पर छूट दी जाए, ताकि जो आज मार्केट रेट पे आ गई थे, जवानों को सस्ता सामान मिले। तो बताइए, वो चिट्ठी लिखी, उसका कोई महत्व नहीं रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल सही है, और उम्मीद करेंगे कि सरकार जल्द ही आपकी बात सुने। और संवाददाता आशुतोष महाराष्ट्र से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आशुतोष, जिस तरह से डिस्पैरिटीज की बात हो रही है कि सेना के जवान और सीआरपीएफ के जवान को जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात, जब सीआरपीएफ का जवान देश के लिए अपने प्राण त्यागता है, उसके बाद भी उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। तो रणवीर जी, जिस तरह से लगातार हम कई बार सुन चुके हैं, कई मंचों से सुन चुके हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार सरकार से अपील भी करती है, गुजारिश भी करती है और मांग भी उठाती है कि हमें भी, हमारे जवान जो अपने प्राण त्यागते हैं देश के लिए, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। आपको याद है कोई मौका जब सरकार से किसी तरह का आश्वासन मिला हो? बिल्कुल, अभी हमारी जो बीती जो ईद है, ईद के दिन हमारा प्रतिनिधि माननीय गृह मंत्री राजनाथ जी से मिला था, और हमने उनसे गुहार लगाई थी कि साहब, 23 नवंबर 2012 का लेटर, ये आप नोट भी कर सकते हैं, 23 नवंबर 2012 को एक एमएचओ ने आदेश जारी किया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी एक्समैन स्टेटस दिया जाएगा, जो कि गोवा को छोड़ के मैम आज तक किसी स्टेट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये बहुत बड़े दुख की बात है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को गुहार लगाई कि 20 लाख अर्धसैनिक बल के परिवार, जो देश की कुल आबादी का 5%, इनके जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो डिस्पेरिटी हो रही है, उनको उनके संज्ञान में लाया जाए। आज तक कोई ऐसा चांस नहीं मिला।
जब अभी रिसेंटली 17 जनवरी को यूनियन होम सेक्रेटरी गाबा जी से आपके माध्यम से आवाज सरकार तक जाए कि उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है जीएसटी का मुद्दा सीपीसी कंटेन पर हम टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, आपके माध्यम से बता रहे। दूसरी चीज इन्होंने कही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को एक्समैन का दर्जा और अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड दिया जाएगा, लेकिन वो भी अभी बजट जो निकला तो उसमें ऐसा अर्धसैनिक बल आधे अधूरे ठगे से। बिल्कुल, कई सारी मांगे हैं जो लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस करती रही हैं। अब एक बार फिर से खच्चे उड़ गए, अब शेष ही है ये बस, किसी माँ के पास उसके बेटे के आधा शव पहुंचा है, रोती बिलखती माँ यहाँ पर रोती बिलखती किसी की पत्नी है, किसी के पिता के आंख से आंसू थम नहीं रहे हैं। ऐसे में उसके बेटे को जब शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता तो उसे जिस बेटे पर अभिमान है वो सवाल पूछता है कि आखिर कहाँ गलती रह गई हमसे, हमने तो पूरी मेहनत से पूरी कोशिश के साथ अपने बेटे को देश की रक्षा में लगाया था, उसके बावजूद हमारे देश की सरकार हमारे घर के बेटों को, हमारे घर के लाल को जब वो देश के लिए अपने प्राणों को समर्पित करते हैं उसके बाद शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते। बिल्कुल, आपके माध्यम से हम तो मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री तक आवाज जाए कि वो पैरामिलिट्री प्रतिनिधि मंडल को बुलाए और बातचीत करें। हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बनने से पहले रेवाड़ी में अर्धसैनिक और पूर्व अर्धसैनिक बलों की एक रैली हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो वन रैंक वन पेंशन देंगे। अब जवानों की तो यहाँ हमारी अर्धसैनिक बलों की तो वन रैंक वन पेंशन छोड़ दीजिए, जवानों की पेंशन ही नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ये आवाज वहां तक जाए और जो पीड़ित परिवार हैं उनकी कौन बड़ा सवाल है कि कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का खर्चा उठाएगा, कैसे उनकी हेल्थ जरूरतें पूरी होंगी, कैसे उनके जिनके माँ के लाल चले गए, जिसका साया चला गया, जिसको वो चांद देखती थी शीशे में, वो बच्चों के पापा जो अभी तो जवान छुट्टी काट के ही तो गए थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा। कैसे बिल्कुल, आप सीआरपीएफ में रहे हैं, क्या तकलीफें एक सीआरपीएफ के जवान को देखनी पड़ती हैं, वो किन तकलीफों से होकर गुजरता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ जानकारी मिलती है कि आज हमारे सीआरपीएफ के जवान इस इवेंट में जुड़े हुए हैं, देश की रक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या वो तकलीफें होती हैं जो आपको ग्राउंड जीरो पर झेलनी पड़ती है। सबसे बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही कि भाई सवाल दागा सीआरपी का मतलब ही मैम चलते रहो प्यारे, यानी कि उन लोगों का वो कोई एक ठिकाना नहीं रहता। आज कश्मीर में है, शाम को जो है कहीं आग लग गई तो उधर भेज देते हैं, अभी इलेक्शन का दौर आया तो इलेक्शन में। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई देश में ऐसी घटनाएं घटती जवानों की छुट्टियां बंद हो जाती, जैसे अभी इलेक्शन का दौर है पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया भाई जवानों की छुट्टी 2 महीने पहले ही बंद कर देते तो एक बहुत बड़ी, वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उनके लिए जो है ना जो रहने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं है, और जवानों को तनख्वाह तो आप कह ही रहे हैं कि इतनी बड़ी डिस्पेरिटी हो रही है। मैम सेना हमारे बड़े भाई आदर का, सेना का एक जवान 72-17 साल करने के बाद उसको पेंशन बनंजा के तौर पे 1 rank 1 pension देन फिर रिहैबिलिटेशन, यहां तो कुछ भी नहीं है। अर्ध सैनिक आधे अधूरे, माननीय प्रधानमंत्री जी जब अपने विकलांग को दिव्यांग में चेंज कर सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री योजना आयोग को नीति आयोग में तब्दील कर सकते हैं, माननीय अपने 7 RCR को भी उन्होंने चेंज कर लिया लोक कल्याण से, तो फिर अर्धसैनिक को पूर्ण सैनिक का दर्जा क्यों नहीं दिया जाए ताकि सरहद। बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ा सवाल भी आपने सरकार पर उठा दिया है कि आखिर जब इतने सारे बदलाव हो सकते हैं तो फिर क्यों नहीं सीआरपीएफ पर भी ध्यान दिया जाए, क्यों नहीं बीएसएफ के जवान जो कि बॉर्डर पर खड़े रहते हैं मुस्तैदी के साथ ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके, ताकि कोई दुश्मन हमारे देश में दाखिल ना हो सके, उसके बाद इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जाता है, क्यों नहीं हमारे हर जवान को उसकी जो मांग होती है उसकी मांग पूरी क्यों नहीं की जाती। बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं मांगी है देश के जवान ने, उसने सिर्फ इतना कहा है सीआरपीएफ में हूँ, देश के लिए अपने प्राण त्याग रहा हूँ, तो क्या मुझे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं, लेकिन साथ